ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल जितनी इंक्वायरी आती हैं 10 में से 8 बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आता है। अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बच्चा बहुत गया और बहुत वीज़ा भी दिया कोविड के बाद उन्होंने, तो उनकी जो एक कैपेसिटी, कंट्री बहुत बड़ी है, इंडिया से 3 टाइम्स बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारे शायद पंजाब से कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब लेकिन हर कंट्री का एक सिस्टम होता है, उसके पॉपुलेशन लेने का एक तरीका होता है, ग्रेजुअली लेते हैं फिर एक्सटेंड करते हैं। शायद आपको पता या नहीं, 1972 से पहले ये कंट्री प्योरली जो है ऑस्ट्रेलियंस के लिए ही था, मींस गोरे लोगों के लिए था, वाइट स्किन। ये पॉलिसीज़ इन्होंने जो फॉरनर्स, जो इमिग्रेशन की, बहुत बाद में शुरू की है। अब यहाँ पे जो आ जाता है कोर्सेज, क्योंकि जो पॉलिसी शुरू की, क्योंकि उनको शॉर्टेज थी लोगों की, उस टाइम ट्रेड पर्सन्स के बहुत डिमांड है। मान लीजिए कोई हेयर कटर है, सैलून वाला है, या कोई शेफ है, आज भी वो डिमांड्स उनकी बनी हुई हैं, उन लोगों की, कोई प्लम्बर है, ऐसी चीज़ों की बहुत थी। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, तो चीज़ों ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस रोल एक प्ले करना शुरू कर दिया। अब जिसमें हम बात करेंगे कि आईटी का आज बहुत बड़ा रोल है। आईटी में भी अब जो देखो आप, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आया है, उससे पहले साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की जब मेरी ट्रेनिंग हुई ऑस्ट्रेलियन एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी पर्थ में, तो हमें बताया गया कि बच्चा जैसे ही ये कंप्लीट करता, उससे पहले ही कंपनीज आ जाती हैं, और कंपनीज कितना पैकेज देती हैं, 70-80 हज़ार से शुरू करके। इट डिपेंड्स कि बच्चे की क्या स्किल्स हैं। अब मान लीजिए बच्चे ने वहाँ 1 साल काम कर लिया और बच्चे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, तो हो सकता है वो $200,000 या $150,000, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कैलिबर आपके अंदर है तो सैलरीज में वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देन उसके बाद अगर इंजीनियरिंग का आप कोई मर्जी कोर्स ले लो, कंट्री एक ऐसी है, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ माइंस बहुत ज़्यादा है, गोल्ड माइंस, यूरेनियम उनके पास बहुत है, मिनरल्स बहुत हैं, तो पेट्रोलियम। आप ये देखो, पेट्रोलियम का कोई कोर्स करने जाता है तो 20% डायरेक्टली बच्चे को उसकी जो फीस में वो स्कॉलरशिप लग के आती है। 20% स्कॉलरशिप जेडी है डायरेक्टली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लग के आती है। दैट मीन्स कि वो इन्ने एक इंजीनियर्स, उन्होंने जरूरत है कि किसी भी हिसाब नाल वो बच्चे आन जेडे ये कोर्सेज करन, टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज करन, एंड दे कैन अर्न गुड। क्योंकि हुण ते ऑस्ट्रेलियन अम्बेसी भी कहती है कि इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन राइट दैट आई एम गेटिंग ए अपॉर्चुनिटी। मीन्स तुसी अपनी SOP लिख सकते हो कि मैं, जब मैंने उत्थे सुइटेबल जॉब मिलती है, आई कैन ट्राई टू फाइंड माई जॉब एंड टू सेटल माई कैरियर देयर। तो दैट मीन्स ऑनेस्टली दे आर लुकिंग फॉर द इंटेलिजेंट पीपल, मीन्स अच्छे बंदियां दी उन्होंने जरूरत है। अच्छे कोर्सेस करो, टेक्निकल कोर्सेस करो, एंड जब स्टूडेंट्स का साढ़े को प्रोफाइल आंदा है, वो बाद साड़ी जी इंटेलैक्चुअल टीम बहुत अच्छी असी रखी हुई है, वो सारे प्रोफाइल नू पहले असैस करते हैं, फिर इन्होंने ऑप्शन देंगे दे। ऑप्शन देन दे बाद ना बच्चे ने सिलेक्ट करना, उत्थे गूगल च जाके सर्च कर लैन कि वो कोर्स जोड़ा असी दे रहे हैं, वेदर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट्स यू नो दिस साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस, ये सारे टेक्नोलॉजी बाद कभी भी स्कोप खत्म नहीं होएगा। टेक्नोलॉजी के बाद मैकेनिकल इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, बिकॉज दे आर कनैक्टिड। ये जेडे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, ये सारे आपस च, जो कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, जे एक भी, क्योंकि बिल्डिंग्स हमेशा बनती रहनी है, कंस्ट्रक्शन वाले की जरूरत हमेशा पैंती रहनी है, कंस्ट्रक्शन दी है, इलेक्ट्रिकल दी, उन्होंने नाल कनेक्टेड हो गया, ठीक है। मैकेनिकल ऑलवेज एनी कोई, चाहे कोई गड्डियां बन रही हैं या कुछ भी है, मैकेनिकल दी तो एक इट्स अ वास्ट वास्ट स्कोप। तो ये जड़े कोर्सेज करके बच्चे जड़े हैं वो, दे कैन गेट वेरी गुड जॉब, दे कैन यू नो आस्क दैम कि जॉब अपॉर्चुनिटी है भी 2 to 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, हूँ 2 साल का करता है, अदरवाइज तो इन्होंने 5 साल तक भी दिता से कुछ कोर्सेज से कुछ एरियाज के, हूँ जाके थोड़ा जा कट किया है। तो वी डू हैव ए न्यूमरस ऑप्शन इन ऑस्ट्रेलिया, आल दो कि हजे सानू थोड़ा जा प्रॉब्लम ये आ रही कि
प्रोफाइल बहुत अच्छे ले रहे हैं, फंडिंग थोड़ी क्लीयर होए, प्रोफाइल थोड़ा अच्छा होए, आइल्स का स्कोर अच्छा होए, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द वीज़ा। प्रोफाइल मीन्स जब बच्चे ने नॉन मेडिकल किया होया तो नॉन मेडिकल वाले बच्चों का असं 60% मिनीमम लैंने, वैसे 65% की जरूरत होंगी है। आइल्स वो भी जो प्रोफाइल असं 60 या 65 देखते हैं, बेस्ट 4 च देखते हैं, जिद कुछ जिदा फिजिकल या लैंग्वेज नहीं वह काउंट करते। आइल्स जी है 6.5, नॉट लैस दैन 6 होए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो थोड़ी परसेंटेज 65% है फिर 6 बैंड ईच भी लै लेंगे। पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या राजस्थान के कुछ बोर्ड्स की प्रॉब्लम है, अदरवाइज स्टेट बोर्ड सारे बाकियों के एक्सैप्ट हो रहे हैं, खाली अपने पंजाब और हरियाणा नू छड़ के जेडे स्टेट बोर्ड मैक्सीमम एक्सैप्ट हो रहे हैं। दैन प्रोफाइल अच्छा होर की हो सकता है कि पेरेंट्स समझो सर्विस है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न बहुत अच्छी अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं, दोनों पेरेंट्स 15-16 लाख की इनकम जो है तो इन एक अच्छी इनकम मनिया जाएगा, और जो जॉब कर रहे बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने सारे बिजनेस के अच्छे प्रूफ होन, रजिस्ट्रेशन सारे होन, GST वगैरह के मतलब सारे प्रूफ्स होने चाहिए है। फंडिंग जी है 3 months to 6 months ओल्ड हो, हूँ कोई भी फैमिली है बच्चे नू पढ़ाना है और एक अच्छी फैमिली है, वो सेविंग अपनी हौली हौली करते रहते हैं तो नैचुरल है कि उन्होंने एक प्रॉपर फंडिंग रखी हुई है। तो ये सारा जरा इदा तो आप करते हैं एक नीट एंड क्लीन प्रोफाइल आता कि बच्चे का भी प्रोफाइल अच्छा है, पेरेंट्स पढ़ाने भी कैपेसिटी है, ये नहीं कि बच्चा तो चलिया गया बट उन्होंने को फीसा देने जोगे पैसे नहीं है और बच्चा उत्थे जाके मजदूरी कर रहा अपनी पढ़ाई छोड़ रहा, वो जड़ी प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट नू प्रॉब्लम कर रही है, वो सारियां नू प्रॉब्लम कर रही है, अपनी कंट्री का भी नाम खराब कर रही है, इस करके कुछ एरियाज़ नू ये प्रॉब्लम आई है। 101% कोई मर्जी बच्चे नू पूछ लो कि तुसी उत्थे बच्चा 10 च 8 इनक्वायरी आस्ट्रेलिया दी क्यों है, सब तो बड़ी गल है क्योंकि उन्होंने रिलेटिव्स उत्थे बैठे हैं, उन्होंने फ्रेंड्स गए हैं जेडे कमा रहे हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी च ना कोई भी न्यूज़ बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, जो पिछले 2 साल च जाके 3 साल च उन्होंने पैसे अच्छे मिलन लगे, मेरे अपने स्टूडेंट्स के फोन आए जी नर्सिंग च बच्ची गई सी $40 per hour मिले उन्होंने, हूँ तो वो 3 साल की गल होगी मतलब उस टाइम जब गई है तो उन्होंने $40 per hour दैट वॉज ए यू नो एक बड़ा अच्छा बच्चे को पैसा जुड़ जाता है। और वो ब्रदर पढ़ रहा है US च, बल्कि कभी कदार कहती मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो उन्होंने भी हैल्प कर देंगे सके, तो इदा के बहुत सारे इग्जाम्पल साढ़े को आए हैं। बट वी नैवर एनकरेज बच्चे कि जब वो पढ़ रहा है कि अपनी पढ़ाई तो ध्यान भटका के तुम कमान के पिछे जाओ, क्योंकि तुम फेल हो गए तो थोड़ा जोड़ा मेन मोटिव है अच्छी डिग्री लैके अच्छी जगह सैटल होना, मीनस तुम अपना सैटलमेंट करके अच्छी जॉब लैनी, वो पिछे हो जाओगे तो तुम शॉर्ट टर्म न छड़ के तुसी लॉन्ग टर्म गोल देखो। इस टाइम जब थोड़ा घट भी काम कर लोगे, काम बहुत मिल रहा होंगे पर तुसी लालच घट करना है जिस तो कि तुसी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सको और कैरियर अच्छा बना सको। और सब तो वड्डी गल मैं ये कहूँगी कि जेडे थां थां एजेंसियां खुल गई ना उन्हां तो जरूर बचना है, क्योंकि बहुत सारे इदा के केसेस साडी नॉलेज आए हैं कि पेरेंट्स ने जाके डॉक्यूमेंट देते फीस आफ्टर वीज़ा और उन्होंने पेपर चेंज करते बैन लग गए बच्चों के, इन चीज़ों तो तुम्हें अवेयर होना पेगा। 10-20-40 हज़ार बचाने वास्ते खाली तुसी जेडे अपने बच्चे का कीमती प्रोफाइल है वो किसी नू मर्जी फड़ा देंदे हो, वो तुहाडे नाल जिहड़ी एक जज्बाती खेल हो रही है, तुसी जिहड़ा 10-20-50 हज़ार जिहड़ी फीस च जो कोई नुकसान होंदा बाईचांस वीज़ा नहीं लगता तुहाडे खाते तो गई है तुहाडे खाते जाणी है, डोंट वरी कि वो तो फीस आफ्टर वीज़ा देना 10-20-50 हज़ार के नुकसान के पिछे तुसी सारी जिंदगी का बच्चे का कैरियर का जड़ा खराब कर देंगे। थैंक यू।